हाय व्हाट्सअप गाइस फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आ गए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वाले फोटो को मैंने बैकग्राउंड रिलीज करके कुछ स्टेप से लाइटिंग इफेक्ट यानी सिनेमेटिक इफेक्ट फोटो एडिटिंग कैसे किया है, और वो भी मात्र 2-3 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक वीडियो, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए आपको डाउनलोड करना पिक्सार्ट एप्लीकेशन, और यहाँ से आपको कर देना बैकग्राउंड सिलेक्शन। सारे बैकग्राउंड मेरे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जगह आप डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने बैकग्राउंड का सिलेक्शन कर दिया। बैकग्राउंड सिलेक्शन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल फोटो का एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको जाना और मॉडल PNG ले लेना है। सो फ्रेंड्स इस मॉडल का मैंने बैकग्राउंड इरेज कर दिया। यदि आप देखना चाहते हो कि बैकग्राउंड को इरेज कैसे करते हैं, उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जगह आप देख सकते हैं। मॉडल PNG को आपको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना। स्ट्रेच करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे सेंटर लाइन करके यहाँ पे इसको बिठा देना है। तो फ्रेंड्स ये सब सेटिंग होने के बाद फिर से ऑल फोटो पर जाना, और यहाँ से आपको क्या करना, एक शेडो PNG ले लेना। शेडो PNG का यूज़ मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी फोटो के अंदर शेडो इफेक्ट देने के लिए किया जाता है, यानी थोड़ा सा शेडो इफेक्ट देने के लिए मैंने एक PNG को सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ से आपको इरेजर टूल की सहायता से जो बंदा ये बैठा है वहाँ पर आपको इस शेडो इफेक्ट को यहाँ पर सेट कर देना, इसका डुप्लीकेट बना देना, और ये जो पहले वाला पैर इसके नीचे एक शेडो इफेक्ट यहाँ पे और क्रिएट कर देना है। फिर से इसका डुप्लीकेट बना के दूसरे पैर के नीचे इसके शेडो PNG को यहाँ पे सेट कर देना है। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये सब सेटिंग होने के बाद फिर से आपको क्या करना, ऑल फोटो पर चले जाना, और यहाँ से आपको बल्ब PNG मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स बल्ब PNG को मैंने लिया, और यहाँ से आपको राइट अलाइन कर देना है और यहाँ पे इसे सेट कर देना है। फिर से ऑल फोटो पर जाना, यानी बल्ब को एक लाइट इफेक्ट देने के लिए लाइट PNG का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको कर देना स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद एक लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसे बल्ब के ऊपर लगा देना। सो फ्रेंड्स देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे बन चुका है। फिर से ऑल फोटो पर जाना, और यहाँ से आपको मल्टीपल बर्ड वाला एक इमेज मिल जाएगा, यानी चांद के ऊपर बहुत सारे आपको बर्ड लगाना है, तो ये वाला इमेज आपको यहाँ पे सेटिंग दे दिया। ये सब सेट होने के बाद सारे फोटो को आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स की सहायता से चेक कर देना है। चेक होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि फोटो के अंदर सिनेमेटिक इफेक्ट यहाँ पे जरूरी हो जाता है, यानी फोटो के अंदर थोड़ा सा ब्राइटनेस देने के लिए यहाँ पे इफेक्ट में FX और FX में कर देना है HDR, और इसके अंशार्प और ब्लर को थोड़ा थोड़ा कम कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बहुत ही अच्छा फोटो के अंदर यूनिक टाइप का एक ब्राइटनेस आ गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप अपने स्मार्टफोन के अंदर करके अपने फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट और व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। फ्रेंड्स चैनल पे यदि पहली बार विजिट किया तो चैनल को कर दीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।